गाइस, आज हम लोग ये बेबलेट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसका नाम है 40 मेटल फ्यूजन वाला बेबलेट। ये 4 आता है, लॉन्चर भी आता है इसमें। चलो इसको खोलते हैं, डिटेल में अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग, रिव्यू भी बताऊंगा आपको। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। अब लेट्स सी हाउ इट इज। पैकेजिंग बड़ा है, लॉन्ग। देखिए इतना कूल कूल दिया है इसमें, वेबलेट मेटल मास्टर्स फ्यूरी। चलिए इसको खोलते हैं। स्टिकर्स दिए गए हैं यहाँ पर, स्टिकर्स तो भी निकालते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का रिप कोड आ गया। रिप कोड काइंड ऑफ लो क्वालिटी है इसका। ये है बेबलेट्स। देखिए इस बेबलेट का क्वालिटी ऑफ कोर्स बेस्ट नहीं है। देखिए इसके अंदर से फिल्ड नहीं हुआ है, ओरिजिनल से कंपेयर नहीं करता है, लेकिन इसको चार के साथ बहुत सारे हैं, तो इन दोनों सारे चारों को एक साथ से हम लोग बैटल कर सकते हैं। देखिए लॉन्चर दिया गया है, ये ग्रिप के लिए दिया गया है, और ये इसको खोलने के लिए एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। ये साइड से हम लोग इसको खोल सकते हैं और ये साइड से हम लोग इसको खोल सकते हैं। गाइस जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसका ये जो है, आई डोंट थिंक मेटल है, हो सकता है ये प्लास्टिक हो, लेकिन ये मेटल नहीं लग रहा है और बहुत लाइट भी है, हैवी नहीं है। और इसका ये स्टिकर्स इधर उधर किए भी हैं, हम लोग लगाए भी नहीं है। देखिए ये बुल का स्टिकर इसमें है और लियोन का स्टिकर इसमें है, ये उल्टा हो गया है। बाकी ये दोनों का ठीक लग रहा है और बहुत लाइट वेट है सारा। ये चारों को ऐसे खींचे, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये एक वेबलेट जैसा नॉर्मल लग रहा है असली वाला। देख सकते हैं हम लोग कि ये है बेबलेट, लियोन, लाइटनिंग एल्ड्रैगो, पेगासस एंड बुल। ये है ग्रिप, इसको हम लोग इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे और ऐसे करने से देखिए फिट हो गया है। ये है रिपकोड, इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। देखिए दिया भी गया है कि कैसे लगाना है। ये सारे स्टिकर्स हैं और इससे हम लोग इसको खोल सकते हैं। ये वाला साइड से ये खुलता है और ये वाला साइड से ये खुलता है। गाइस देख सकते हैं ये स्टेडियम है, ये पुराना है, इसके साथ नहीं आया है, बड़ा सा है, मेरे ब्रदर का है। चलिए अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। लो क्वालिटी। एज यू कैन सी बहुत लो क्वालिटी है ये। देखिए चल रहे हैं लाइटनिंग एल्ड्रैगो, ये उल्टा चलता है, लेकिन इसमें यही वाला दिया है, बैड क्वालिटी वाला। गाइस देखिए ये पेगासस है, मेन कैरेक्टर का है ये, इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। वेरी बैड क्वालिटी। गाइज ये मेरे पुराने बेबलेट हैं असली मेटल के, और ये मेरे नए बेबलेट हैं प्लास्टिक के, वेरी बैड क्वालिटी। ये वाला मुझे ग्रिप बहुत अच्छा लगा जो आया, लेकिन मैं इसमें अलग अपना खुद का लॉन्चर लगा दिया हूँ और ये मेरे पास ऑलरेडी था ग्रिप। चलो इसमें ट्राई करते हैं असली बेबलेट से ये। गाइज ये देखिए, इसको पता नहीं अच्छा वाला प्लास्टिक से बनाया, पता नहीं क्यों। हम लोग असली बेबलेट से ट्राई करेंगे, तो लेट्स ट्राई। वाओ, इसका साउंड जो है ना वही एकदम इतना पावरफुल है ना। और ये न्यू वाला है, ये न्यू वाला है, ये ओल्ड रियल वाला ना, ओरिजिनल वाला, और ये प्लास्टिक वाला। यप, जो अभी आपने अम्मी मंगवाया, देखते हैं आप कैसा होता है। इसमें इतना बुरा नहीं है, थोड़ा सा इसमें जीत गया है। अब दूसरा ज्यादा अच्छे वाले से ट्राई करते हैं। अब मैं अपना बेस्ट वाला
बेब्लेड लाया हूँ, ये बहुत अच्छा है, मेरा बेस्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फायर ब्लेज। ओके चलो इसको ट्राई करते हैं। वाओ अरे न्यू वाला। मुझे तो लगता है न्यू वाला ही जीतेगा। ओह गॉड आर यू श्योर? इसमें बहुत दम था। वाओ मतलब अभी तक चल रहा है, फर्स्ट टाइम जो आपने किया अभी तक चल रहा है। ओके और ये वाला दूसरा आपने किया है ना? फिर भी जीत गया, लंबी रेस का घोड़ा। दो टाइम में जीत गया। लेकिन अगर देखे तो इतना चीप में ये अच्छा है, बहुत चीप है और उसमें बहुत अच्छा है। गाइस मैं अपना ओपिनियन अब बताता हूँ, ये स्टिकर्स में अच्छा है और ये बेबलेट इतना चीप में अच्छा है, लेकिन ये जो है ना ये रिपकोट और ये लॉन्चर बहुत बुरा है, इसमें सेट वर्क भी नहीं करता है ये अच्छे से, बहुत बुरा है ये, इसको मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अलग से आप लॉन्चर असली वाला खरीदे। और ये ग्रिप वाला अच्छा है, आई रिकमेंड इट। और ये वाला स्टिकर्स बहुत सारे हैं और इतने चीप में ये तो ऑलरेडी कुछ भी ब्लेड्स को बीट कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड बाय दिस। मुझे 299 में मिला, 56 का डिलीवरी चार्ज में 3 दिन में मिला। अगर आप बिगिनर हो बेब्लेड में तो आई टोटली रिकमेंड दिस, बहुत अच्छा है ये। आपको अलग से लॉन्चर और रिपकोट लेना चाहिए, लेकिन ये वाले अच्छा है इतने चीप के लिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी बेब्लेड है मैं आपको इससे रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप नई बेब्लेड ही असली वाला बेब्लेड खरीदिए, ये वाला मत खरीदिए। चलो इसको आप स्टार दे देते हैं। ये इन दोनों को मैं देता हूँ 1 out of 5 star। ये बहुत अच्छा है 4 out of 5 star। और ये बेब्लेड बिगनर के लिए 4 out of 5 star। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो 2.5। स्टिकर्स बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, तो ये तो मैं 4 out of 5 दे देता हूँ। दिस इज ओनली गुड फॉर बिगिनर्स नॉट एक्सपर्ट्स। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको और हम लोग के वीडियोस देखना है तो नोटिफिकेशन बेल क्लिक कीजिए और अच्छे से कॉमेंट भी कर दीजिए। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।